तो मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें घर में सूर्य देवता बैठे हो तो निश्चित है कि ऐसा जातक अत्यंत मूर्ख होता है, अति कामी ऐसा जातक भी देखा गया है, परस्त्र विलासी भी ऐसा जातक हो सकता है, और पक्षियों का शिकार करने वाला, दुष्ट चित्त वाला एवं कुरूप ऐसा जातक होता है। कभी कभी देखा गया है ऐसा जातक राजा से भी धन प्राप्त कर लेता है कथा वाचकों का, लेकिन विरोधी होता है ऐसा जातक। ऐसा जातक जिसकी कुंडली के 12वें घर में सूर्य बैठा होता है, उसके कंधे में रोग अक्सर देखा गया है एवं दुर्बल अंगों से युक्त भी ऐसा जातक होता है। ऐसा जातक पिता से भी द्वेष करने वाला, अंगहीन एवं नेत्र का रोगी, बाएं आंख में इसको प्रॉब्लम हो सकता है, बड़ा ही खर्चीला रोगी एवं शरारती भी ऐसा जातक होता है, अति दुर्बल अंग वाला होता है, परस्त्रीगामी होता है, व्यसनी होता है, राजा से उसका धन भी उड़ा लेने वाला अथवा गिड़गिड़ा कर मांग लेने वाला भी ऐसा जातक हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में 12वें घर में सूर्य देवता बैठे हो तो निश्चित रूप से इनका गोचर के अनुसार आप कोई उपाय करके इस सूर्य से बहुत अच्छा फल प्राप्त करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। परंतु अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क कर लीजिए, और अगर कोई ना मिले तो आप हमें संपर्क कर लीजिए, हम आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को अच्छे से देखकर आपको विस्तार पूर्वक समझा देंगे।